हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम अभी भुवनेश्वर में हैं और यहाँ से अभी हम आए यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस लस्सी जिसका नाम है लिंगराज लस्सी, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल दास्ताने सफ़र में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नए और लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों, अभी हम भुवनेश्वर सिटी में हैं और आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसा जगह जो बहुत ही फेमस है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लिंगराज लस्सी की, जो यहाँ पर काफ़ी फेमस है। तो आइए चलते हैं। लिंगराज लस्सी शहीद नगर भुवनेश्वर में है और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट कॉम्प्लेक्स है। इसके जस्ट बगल से एक रास्ता जाता है, इधर से आपको जाना है लिंगराज लस्सी की तरफ। तो आइए दोस्तों चलते हैं। यहाँ का ये बहुत ही फेमस लस्सी है लिंगराज लस्सी। आप कभी भी भुवनेश्वर आए तो इस जगह पे ज़रूर से आए और इस लस्सी का आनंद ले, पी के इसे देखें। ये बिल्कुल ही अलग तरह का टेस्ट है। तो आइए दोस्तों चलते हैं और हम पीते हैं लिंगराज लस्सी।
कैसा है? हाँ भाई, हाँ देखो उसका टेक्सचर देखो, वाह टेक्सचर, वाह लिंगराज स्पेशल लस्सी, लिंगराज स्पेशल। कैसा लग रहा है प्रतीक? सही है? बहुत बढ़िया। कुछ बताओ जिमी इसके बारे। हम तो यहाँ के हैं, यहाँ का सबसे मतलब फेमस चीज है ये, इसलिए दोस्त यार को बुला के हम यहाँ पे मतलब पर्सनल पब्लिसिटी करते हैं कि हमारे जगह का देखो लस्सी कैसा है। कितना पूरा ये आपका शॉप कब से यहाँ पे? यहाँ हम लोग 40 साल हो गया। 40 साल हो गया यहाँ पे। ये काफी फेमस है आपका लिंगराज लस्सी। तो ये क्या क्या चीज से आप बनाते हैं मेन? दही है आपको, मलाई है, खोआ भी है, चेरी है, काजू है, आपको पिस्ता भी है, किशमिश है, हर चीज डाल के बनाते हैं। बनाते हैं आपका मतलब काफी पुराना शॉप है, 40 साल से यहाँ पे इसी जगह पे है ना? इसी जगह से, पहले आगे था, थोड़ा पीछे आया पार्किंग के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। और कहीं ब्रांच है आपका क्या? नहीं, और कहीं नहीं, यही ब्रांच, मेन ब्रांच यही है। जी जी जी। कौन सा एरिया पड़ता है ये? ये शहीद नगर, भुवनेश्वर में शहीद नगर पड़ता है। भुवनेश्वर शहीद नगर, शहीद नगर, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप कभी भी आइए भुवनेश्वर तो इस जगह पे जरूर आइए। लिंगराज लस्सी बहुत ही टेस्टी और आपको पीने में इसका जो स्वाद है वो बिल्कुल ही अलग लगेगा।